जैसा कि हमें पता है कि किसी भी डोंगल या अडेप्टर की वर्किंग रेंज 100 से 240 वोल्ट तक रखी जाती है, तो ट्रेन की 110 वोल्ट पर आपका अडेप्टर बिना किसी दिक्कत के चल जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन ये होगा कि ट्रेन में दी जाने वाली सप्लाई 110 वोल्ट डीसी होती है और घरों में आने वाली सप्लाई 220 वोल्ट एसी होती है, फिर भी अडेप्टर एसी और डीसी दोनों पर कैसे काम करता है? इसको समझने के लिए हमें पुराने अडेप्टर की वर्किंग समझनी होगी। पुराने अडेप्टर में पहले एक ट्रांसफार्मर होता है जो 220 वोल्ट एसी को स्टेप डाउन करके उसे 5 से 10 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है और इस 5 से 10 वोल्ट एसी को अगले चरण में रेक्टिफायर और फिल्टर सर्किट की मदद से डीसी में बदल दिया जाता है और चार्जर काम में आ जाता है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पुराने अडेप्टर में पहले ही चरण में ट्रांसफार्मर उपयोग होता है और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी पर नहीं। तो यही कारण है कि पुराने अडेप्टर को आप ट्रेन में 110 वोल्ट डीसी पर नहीं चला सकते, वो ट्रेन की सॉकेट सप्लाई में काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं आधुनिक अडेप्टर की। आधुनिक अडेप्टर स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कि SMPS से बने होते हैं। यहाँ पर पहले स्टेप में एसी सप्लाई वोल्टेज को रेक्टिफायर की मदद से डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह डीसी वोल्टेज उतना ही रहेगा जितना हम इसके इनपुट में सप्लाई देंगे और अब इस डीसी सप्लाई को दूसरे चरण में चार्जिंग के लिए उपयुक्त 5 वोल्ट डीसी में चार्जिंग के लिए दे देते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं कि एक अडेप्टर को ट्रेन में डीसी सप्लाई सॉकेट से लगाते हैं, तब रेक्टिफायर को एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और न ही रेक्टिफायर को डीसी से कोई प्रॉब्लम है, यह सीधे डीसी सप्लाई को दूसरे चरण के लिए भेज देगा और हमें चार्जिंग के लिए उपयुक्त वोल्टेज मिल जाएगा और इस प्रकार आधुनिक अडेप्टर एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करते हैं। बस यही है कहानी। धन्यवाद।